सरायकेला खरसावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिला पुलिस ने कुख्यात अपराधी सोना बेग उर्फ प्रेम के साथ उसके तीन सहयोगी दिनेश ठाकुर उर्फ गांजा और करण रजक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 7.62 mm का पिस्टल, 3 मोबाइल, 1 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जाता है कि 3 माह पूर्व राजनगर थाना के हेसल बाजार के एक मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, जिसकी जांच के क्रम में सोना बेग उर्फ प्रेम के पास से चोरी किया हुआ मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान सोना बेग ने बताया कि वह सरायकेला, चाईबासा और चक्रधरपुर के अलावे ओडिशा के भी कई मामलों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ हत्या का भी मुकदमा चल रहा है। बताया जाता है कि सोना की गिरफ्तारी RIT थाना क्षेत्र से हुई है, जहां वह पत्नी के साथ छिप कर रह रहा था। पूछताछ के क्रम में जिन दो अपराधियों का नाम उसने पुलिस को बताया, उनसे जेल में दोस्ती होने की बात अपराधी सोना बेग ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है। जानकारी देते हुए जिले के SP मोहम्मद अर्शी ने बताया कि गिरफ्त में आए तीनों पेशेवर अपराधी हैं और फिलहाल ये हथियारों की खरीद बिक्री का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है, साथ ही इनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। वैसे जिला पुलिस के लिए तीनों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 3 माह पूर्व एक मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना हुई थी, तो उसके बाद से लगातार पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। तो वो चोरी का मोबाइल एक व्यक्ति के पास से पाया गया, उसका नाम सोना बेग था, जो RIT थाना क्षेत्र में रह रहा था। तो उसकी निशानदेही पर फिर हम लोगों ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया और उसने बताया था कि उन अपराधियों के पास एक हथियार भी रखा है, उसी क्रम में एक 7.62 mm की पिस्टल बरामद की। पूर्व में जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, हत्या भी कर चुका है, बमबाजी कर चुका है, वो कोई भी डेरिंग लीड कर सकता है। तो हथियार और आदमी तो उसने इकट्ठा किए थे और अभी कोई विशिष्ट योजना के बारे में तो नहीं जानकारी मिली है, लेकिन हाँ, अपराधी सक्रिय हो गए थे और घटना को अंजाम दे सकते हैं।